विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से आज कलेक्टरेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वीएचपी व बजरंग दल के पदाधिकारियों का कहना है कि कोटा की रामगंज मंडी में राम मंदिर के लिए धन संग्रहित करने वाले पदाधिकारी को गोली मार दी गई। इसके साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। ऐसे में हिंदूवादी संगठनों में ऐसी घटनाओं को लेकर रोष व्याप्त है और इन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कार्यवाही नहीं की गई तो फिर प्रदेश भर में आंदोलन चलाया जाएगा, साथ ही देश का माहौल खराब करने का प्रयास भी ऐसी घटनाओं से किया जा रहा है। कोटा में रामगंज मंडी में जो राम मंदिर है तो समर्पण कार्यक्रम में हमारे राम भक्त लगे हुए थे, उन पर राम विरोधियों द्वारा गोली चलाकर घायल किया गया और उल्टा इस राम विरोधी सरकार ने हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करने का प्रयास किया है। हम सरकार को आज राष्ट्रपति मोदी के नाम ज्ञापन दे रहे हैं कि इन हमलावरों पर तुरंत कार्रवाई की जाए, वरना इन राम विरोधी ताकतों से किस प्रकार निपटा जाता है ये हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता अच्छी तरह जानते हैं। आज हम सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन के माध्यम से इस राम विरोधी सरकार को चेता रहे हैं, अगर फिर भी ये कार्रवाई नहीं करती है तो आगे इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। क्यों किया ये, क्या कारण था? ये राम विरोधी लोग हैं, इनको ये जो राम मंदिर राष्ट्र का विषय हजम नहीं हो रहा है और ये लगातार हमारे राम भक्तों को प्रताड़ित कर इस तरह के हमले ये सरकार की शेह पर करवा रहे हैं। देखराज सिंह राठौड़, विश्व हिंदू परिषद।